लखनऊ के जिला प्रशासन ने सहारा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने लखनऊ में सहारा इंडिया के रियल एस्टेट के ऑफिस को सील कर दिया है। जिला प्रशासन और रेरा की टीम अलीगंज के कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के रियल एस्टेट के ऑफिस को सील करने पहुंची। सहारा के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर पैसा जमा करने पर मकान न देने और पैसा न वापस देने का आरोप है। बता दें कि सहारा ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और उनकी दो कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। सेबी ने कहा था कि यदि कंपनी निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा नहीं करती है तो दोषी लोगों को हिरासत में लिया जाए। सर, आज यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम आई है, क्या कार्रवाई हुई सारा टावर इंडिया के जो कपूरथला टावर पे आई है? दरअसल यहाँ पे हम लोग आए हुए थे रेरा के थ्रू, लगभग 20,79,00,000 की आरसी सहारा के ऊपर बकाया है, तो उसी के क्रम में कुर्की आदेश जारी हुआ था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे सील किया है। जो इनके आवासीय जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो ऑफिस हैं उनको यहाँ पे सहारा प्राइम की सील किया गया है, और अब सील के बाद आगे भी कार्रवाई होगी। अगर इन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया तो उसके बाद नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, और नीलामी से फिर हम लोग पैसा निकाल कर उसको रेरा में जमा करेंगे। सर, कितने ऑफिस सील किए गए, कौन से फ्लोर पे ऑफिस सील किया गया? सबसे पहले जो सहारा प्राइम का ऑफिस है जो इनका आवासीय योजनाओं को देखता है 9th फ्लोर पे है, उसको सील किया गया है, और यहाँ जो इनका रिसेप्शन है उसको सील किया गया है। सर, और भी कार्रवाई सारा परिवार पर देखने को मिलेगी लखनऊ? इसके बाद भी बिल्कुल कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हमने ये दोनों ऑफिस सील किए हैं। जो अब इनकी अचल संपत्तियां हम लोग उसको देख रहे हैं, उसकी भी कुर्की करके और उस पर भी आगे कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि नीलामी के बाद में अगर ये लोग स्वयं में पैसा नहीं देते हैं तो उन प्रॉपर्टीज की नीलामी करके हमें पैसा निकालना होगा। सारा मौजूद है वहां पर, उसको लेकर कोई कार्रवाई चल रही है? अभी हम लोग उस पर प्लान कर रहे हैं कि जो इनकी अचल संपत्तियां हैं वो चाहे IIM रोड पे हो या इकाना के आसपास की प्रॉपर्टीज हो, उन सभी को लेके हम एक प्लान आउट कर रहे हैं। अगर ये लोग पैसा नहीं जमा करते हैं समय से इसके बावजूद, तो फिर हम लोग आगे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या रेरा की और इसके अलावा और भी इनके ऊपर पेंडिंग आरसीज हैं? टोटल जो आरसीज हैं वो लगभग 20,79,00,000 की हैं जो इनके ऊपर पेंडिंग है। गौरतलब है कि कभी एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए की वापसी को लेकर सेबी से पिछले कई सालों से टकराव चल रही है। निवेशकों ने समूह की बॉन्ड योजनाओं में ये पैसा जमा किया है जिसे सेबी अवैध बता चुका है। सहारा और सेबी की टकराहट तो पहले से ही चल रही है, और इस बीच अब लखनऊ जिला प्रशासन ने भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।